दोस्तों, अगर आप एक जियो यूज़र हैं, अगर आप एक जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपके जियो के नंबर पर एक कॉलर ट्यून ज़रूर होगा, यानी कि हेलो ट्यून। कोई आपको कॉल करता है, वो गाना सुन पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जियो नंबर पर अपना नेम ट्यून कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप कोई भी गाने को सेट करके रखें अपने कॉलर ट्यून पर, और अगर आप उस गाने से बोर हो चुके हैं, या फिर आपके जो कॉलर होंगे उनको आप नहीं सुनाना चाहते हैं सॉन्ग्स, आप अपना नाम उसे सुनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप अपने जियो सिम पर नेम ट्यून कैसे सेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं एके ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल बटन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, जब आप अपने जियो सिम पर हेलो ट्यून यानी कोई भी सॉन्ग्स को सेट करते हैं, तो दोस्तों आप क्या करते हैं, आप जियो ट्यून के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप वहाँ पर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल एक अलग प्रोसेस बताऊँगा, जो कि बिल्कुल सरल है, और यहाँ पर दोस्तों आप अपना नेम ट्यून को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने जियो नंबर पर आप मैसेज में जाएंगे। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना मैसेज ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको राइट मैसेज में जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, राइट मैसेज में मैं आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक नंबर इंटर करना है। आपको इंटर करना है 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 मैंने इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर इंटर मैसेज में आपको जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एल्बम नेम ट्यून। एल्बम नेम ट्यून आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको अपने जियो सिम पर सेंड कर देना है मैसेज। जैसे आप यहां पर सेंड करेंगे, आपके पास परमिशन मांगा जाएगा, आप इसे सेंड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक रिप्लाई मैसेज आएगा, देख सकते हैं मैसेज आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे जो है रिजल्ट में नेम आए हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, रिजल्ट में नेम ट्यून्स लिखा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर नाम आए हुए हैं। तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ाबेटिक नेम रहेगा ए से जेड तक, तो जो भी आपका नाम है उस नेम को सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पर आपका नेम नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लाई विथ मोर, यहाँ पर आपको जाना है MORE मोर टाइप करना है। तो देख सकते हैं MORE मोर मैंने टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर SIM 1 पर फिर से यानी जियो वाले नंबर पर हमको मैसेज करना है। जैसे हम मैसेज करते हैं तो हमारे पास फिर से एक रिप्लाई मैसेज आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से बहुत सारे नाम आ जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको मोर करते जाना है, और जिस भी नाम से आपका नेम का स्टार्टिंग है, जैसे आपका नाम अगर संतोष है तो आपको एस वाले अल्फ़ाबेट में जाना है और आप अपने नाम को यहाँ पर रिप्लाई करना है, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों उसी नाम का आप अपने कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है कि आप अपने नाम से कॉलर ट्यून कैसे सेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।